थाना करहल क्षेत्र की रहने वाली एक मासूम लड़की अपने ही पिता के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और यहां उसने अपने परिवार के साथ एक शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित संजीव कुमार पुत्र नीम सिंह निवासी नगला खाड़े थाना करहल के साथ एक नाबालिग मासूम लड़की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसकी तरफ से एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया कि उसके घर वाले रणवीर सिंह, शिशुपाल सिंह, लाइफ सिंह, लाखन सिंह, पुत्रगण जगन्नाथ सिंह, सौरभ, रिंकू, ब्रजेश, राजीव, प्रदीप आदि द्वारा व उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या बना दिया है। पीड़ित मासूम युक्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने ही पिता के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पीड़ित ने यह भी बताया है कि थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे दिया जाता है, जिससे पीड़ित परिवार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने मम्मी के लिए लड़ने के लिए आई हूँ। क्या हो गया, क्या मामला, पूछो, बताइए। मेरी मम्मी को मार दिया उन लोग, तीन लोगों ने उन्होंने मार दिया है। चिंकी चाचा ने, तुलसीराम चाचा ने और पापा जी ने मार दिया उन लोगों को। क्या नाम पापा का? मिस्टर सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये बरैया के। थाना कौन सा लगता है? बरनाल। पापा थाने में शिकायत की किसकी? पापा मैं थाने में शिकायत की, थाने से उन लोगों ने मना कर दिया है कि नहीं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी नहीं करेंगे जब तक पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट नहीं आ जाती है। मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। क्या अंदर आप मिले गए? जी गए। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि अभी हम देखो सीओ साहब से बात करेंगे। जांच के मांग को की होगी? जी।